बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मिलने के लिए पटना पहुंचे हैं और देख सकते हैं तस्वीरें, यहां पर परिवार वालों से मिलके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। उनके पिता श्री के सिंह जी यहां पर हैं, सुशांत की दोनों बहनें भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार नेता जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी से बात करते हैं। मनोज जी, आज तक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देखिए सुशांत की तस्वीर पर यहाँ मनोज तिवारी माल्यार्पण करते हुए और अपनी श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। एक बेहद टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को। और बात करते हैं मनोज तिवारी जी से। मनोज जी, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए, आप मिलने आए हैं परिवार वालों से सुशांत के? ये बहुत दुखद घड़ी है, परिवार को ढांढस बंधाना बहुत ज़रूरी है। हम खुद को भी ढांढस बंधा रहे हैं क्योंकि हमने तो इस पल की कभी कल्पना ही नहीं की कि ये भी करना पड़ेगा। सुशांत हम सबके दिल में है वो, और पूरा विश्व का सिनेमा आज उसको मिस कर रहा है। धोनी फिल्म हम ही लोगों ने बनाई थी, हमारे ब्रदर इन लॉज के प्रोड्यूसर हैं, तो धोनी के रोल के लिए उसको चुनने से लेकर फिर धोनी फिल्म बनते तक हमने हर बार सुशांत में एक बड़ा भविष्य देखा। और इतना जल्दी हम सबका सपना रुक जाएगा ये नहीं सोचा था। तो आया, पिताजी से मिला, परिवार से मिला, दीदी लोगों से, अब तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बाहर से जो कलाकार जाते हैं मुंबई में, क्या आपको लगता है इस तरीके की जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, आप भी कहते हैं बार बार आप भी उसके शिकार रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई छोटे शहर का बच्चा पहुंचता है, छोटे शहर से जाता है, तो उसके लिए बहुत विपरीत स्थिति है, उसके लिए बहुत कठिन है बॉलीवुड। और अगर आप उसमें से तीर की तरह निकल के छा गए तो फिर बहुत सारी शक्तियां रोकने का काम करती करती हैं। हालांकि ऐसे क्षण में धैर्य रखना चाहिए, लेकिन वो किन परिस्थितियों से गुजरा कि आप सोचिए, जो बच्चा 10th में अपनी माँ खो चुका है तब वो विचलित नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इस पायदान पे पहुँच के वो विचलित हो गया? तो इसलिए हम सब ने भी एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि इस केस में तह तक जाएं, जो भी आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, इसमें जाना चाहिए ताकि दुनिया भर के उनके जो फैंस हैं, उनके परिवार के लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम सबको वस्तु स्थिति की जानकारी मिले। अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको सजा। परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप भी क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील करेंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हम निश्चित रूप से चाहते हैं सीबीआई जांच, कि इसकी परिवार कह रहा है सीबीआई जांच हो तो वो महाराष्ट्र सरकार को इसकी संस्तुति करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिससे भविष्य में और ऐसी कोई दुखदायी घटना हम रोकने में सक्षम हो सकते हैं। शुक्रिया। तो मनोज तिवारी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से यहाँ मिले हैं, ढांढस बंधाया है परिवार वालों को, और साफ तौर पर मांग कह रहे हैं कि जिस तरीके से परिवार वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस पूरी घटना में, उसको लेकर उसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और किन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। रोहित सिंह, पटना।